नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताजा होली विद रिया के एक और एपिसोड में और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे योगेश भालेराव की। योगेश भालेराव एक डॉक्टर है और कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर्स हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, स्लम एरिया हैं, जहाँ के लोग हॉस्पिटल्स नहीं जाते, चाहे उनकी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, वो नॉर्मल दुकानों से दवाइयाँ ले लेते हैं बिना प्रेस्क्राइब्ड, और उन्हीं दवाइयों को खाकर चाहते हैं कि ठीक हो जाए। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो स्लम एरिया के, जो कोरोना संक्रमित हुए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। यह सभी चीज़ों को देखते हुए विक्रोली के एक स्लम एरिया में योगेश भालेराव अपना काम शुरू करते हैं। काम शुरू करते हैं जांच करने का, पड़ताल करने का और लोगों को ठीक करने का बीड़ा उठाते हैं। योगेश भालेराव जब ये देखते हैं कि स्लम एरियाज के लोग तो आगे आते ही नहीं, ना ही उन्हें कोई इंटरेस्ट है जांच कराने में, ना ही उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि कोविड 19 के क्या क्या दवाइयां हैं, कोविड 19 से वो कैसे ठीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्लम एरियाज में बड़े तादाद पर लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे और कईयों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जान गंवाने की वजह यहाँ पर उनकी बीमारी नहीं थी, यहाँ अभाव था कि उन्हें जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव, साथ ही साथ दवाइयों के अभाव, साथ ही साथ उन्हें उनके अंदर उतना अवेयरनेस ही नहीं है कि कैसे इन चीज़ों को डील किया जाए। फिर उन्होंने यह चीज़ें की ठाना और अब तक उन्होंने करीब 1500 लोगों की जांच करी है, उन्हें प्रेस्क्राइब किया है, उनकी जान बचाई है। बताया आपको कि भालेराव स्लम एरियाज में जाते हैं, वहाँ हर घर में जाकर लोगों की जांच करते हैं फ्री में। जांच करने के बाद जो लोग भी कोविड पॉजिटिव आते हैं और उनके जो भी चीज़ें हैं उसे मॉनिटर करते हैं, जो लोग कोविड पॉजिटिव आते हैं उन्हें प्रेस्क्राइब करते दवाइयाँ। अगर उन्हें घर पर ही ठीक किया जा सकता है तो उन्हें घर पर ही ठीक करने के देते हैं, अगर वो घर पर ठीक नहीं हो सकते तो फिर हॉस्पिटल्स ले जाते हैं, दवाइयाँ भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि ये लोग जो हैं वो नॉर्मल मेडिकल शॉप से जाकर बिना प्रेस्क्रिप्शंस के नॉर्मल दवाइयाँ जो सर्दी खांसी में यूज़ होते हैं वो ले लेते थे, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं होता था और लंबा चलता था और उनकी वजह से कोई दूसरा भी संक्रमित हो जाता था और इसी से चेन जो है वो नहीं टूट रहा था। स्लम एरियाज तक कोई नहीं पहुँच पाता, ना ही किसी को पहुँचने की चाहत होती है, ना गवर्नमेंट वहाँ पहुँच पाई है ना कोई और। लेकिन भालेराव वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने यह काम शुरू किया और अभी तक 1500 लोगों को उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया है, काम उनका जारी है और ये हमारे रियल हीरो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और भी अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ प्यार के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।